नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ में देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है, जो एक बहुत अच्छे एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। यानी आप हर काम को बहुत अच्छे सोच विचार करके करना पसंद करते हैं और अपने आप को प्री प्लान रखते हैं कोई भी काम के लिए। बिना योजना के तहत आप कोई भी काम करना पसंद नहीं करेंगे और यही रीज़न है कि आपके अधिकतर कामों में कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलेगी भी। थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन सक्सेस लाइफ में आपको अच्छी मिल पाएगी। किसी के अंडर में रह करके भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आपके अंदर पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी धैर्य। तो जब फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है तो लाइफ में जो जो चीज़ की चाहत होती है वो तकरीबन हर चीज़ हासिल हो पाती है, क्योंकि आप जैसे लोगों में ज़्यादा जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो इस कारण से मैनेजीरियल स्किल बहुत अच्छा आपका रहेगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत तोल मोल की बात करना आपको जो है पसंद रहेगा। और साथ ही साथ मार्केटिंग स्किल भी डेवलप होगा, किसी भी प्रकार का रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। और मैनेजीरियल स्किल अच्छा है तो लाइफ में ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलती है। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है तो ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो बहुत अच्छा हिम्मती स्वभाव यहाँ पर आपका रहेगा। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी रहेगी, जिसको अगर आप लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं तो नेम फेम के चांसेस आपके उतने ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। वहीं फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी है, जो कि अच्छे फ्रेंडली नेचर यानी मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति और माहौल में ढल जाने में सक्षम भी रहने वाले रहेंगे। तो यहाँ पर फिंगर में कोई गैप भी नहीं है, तो पैसा भी अच्छा स्टोर आप कर सकते हैं, अपने पास रोक सकते हैं। और थंब के साइज़ के विषय में आते हैं तो थंब यहाँ पर सशक्त यानी मजबूत है, तो जो भी आप डिसीजन लेंगे उस पर अड़िग जो है रहने वाले आप रहेंगे, और जो भी आपका व्यक्तित्व रहेगा वो लोगों के सामने निखर के आने वाला भी रहेगा। थोड़े से हठी किस्म के भी नेचर रहेंगे, यानी अड़ियल टाइप का नेचर। अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ फर्स्ट फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो ये गुड विल पावर को इंडिकेट करता है, तो आपके अंदर इच्छा शक्ति भी अच्छी रहने वाली रहेगी। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी अवेलेबल है, तो ये गुड सिक्स्थ सेंस को इंडिकेट करता है, यानी कहीं ना कहीं भविष्य की होने वाली घटनाओं का अनुमान या आकलन आप पहले ही अच्छे से लगा सकते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे हिंट आपको मिलते रहते हैं जिससे एक प्रकार से प्रिडिक्शन जो होता है वो आपको परफेक्ट बहुत मरतबा बैठ जाने वाला रहता है। क्योंकि यव साइन में बेस्ट क्वालिटी सबसे ज़्यादा यही होती है, एक तो आप धार्मिक भी यहाँ पर देखते हुए मिल रहे हैं, दूसरा आपके अंदर ग्रेसपिंग स्किल अच्छी है, कोई भी चीज़ को सीखने समझने की कला भी आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। तो ये बेस्ट जो है क्वालिटीज़ आपके थंब पर है ये। और अब बात करें आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर एक प्रकार से स्क्वायरिश है, जो कि अच्छे हार्ड वर्किंग नेचर को बताता है। यानी खाली बैठना रहना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेगा। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा है, तो कोई भी काम करने के लिए प्रेरणा आपके अंदर अच्छी आती है, प्लानिंग आप बहुत अच्छी करते हैं लेकिन एक्शन ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, ये यहाँ पर शो हो रहा है। आपका ऊपरी भाग बहुत अच्छा डेवलप है, तो ये अच्छे यहाँ पर ऑफिसर रैंक के ग्रेड वाले वर्क को इंडिकेट करता है, यानी आपके अंडर में बहुत सारा वर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मैनेजेरियल स्किल जैसा कि फिंगर के अकॉर्डिंग भी देखने को मिला कि अच्छा है, तो ये जो है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा शो यहाँ पर हो रही है। और शुक्र शासित हाथ है, तो हर प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधा आपके जीवन में रहेगी, समृद्धि भी रहेगी, धन भी अच्छा रहेगा, स्टोर भी अच्छा होने वाला रहेगा। मंगल का क्षेत्र भी अत्यधिक डेवलप है, तो एक प्रकार से आपके अंदर सहनशीलता, जुनून, हौसला, ये सारी चीज़ें भी अच्छी देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं, तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर उभरा हुआ अच्छा है, तो इस कारण से आपके अंदर आत्मसम्मान अच्छा देखने को मिल रहा है। और इंडिपेंडेंट कुछ क्रॉस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जब क्रॉस बनता है गुरु के क्षेत्र पे, तो ये अच्छे धन को और अच्छे पारिवारिक जीवन को व्यक्त करता है। एक तो मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रहती है, दूसरा बच्चे संस्कारी रहते हैं, और शादी के बाद उन्नति जीवन में अच्छी देखने को भी मिलती है। जीवन रेखा के उपरांत भी बहुत सारी रेखा यहाँ पर गुरु के क्षेत्र तक गई है, तो ये एक प्रकार के एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण आप महत्वाकांक्षी ज़्यादा यहाँ पर रहेंगे और अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो यही रीज़न है कि जीवन में धीरे धीरे करके प्रोग्रेस आपकी अच्छी होगी, और आप अपने खुद के मेहनत के बदौलत भी जीवन में अच्छा उन्नति प्रोग्रेस करने वाले रहेंगे। अब जो यहाँ पर ये आड़ी रेखा है, ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये आड़ी रेखा है ये धार्मिक क्रियाओं
के प्रति रुचि को भी व्यक्त करता है कि आप धार्मिक भी रहने वाले रहेंगे और दान पुण्य सोशल वर्क भी अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे। शनि पर आपके दो फेट लाइन कंटिन्यूअस पहुंच रही है तो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। धन जीवन में आपका अच्छा है, शनि पर्वत भी कुल मिलाकर के ठीक है आपका, और भाग्य रेखा भी दो मुखी यहाँ प्रारंभ हुआ है, एक जीवन रेखा से एक चंद्र के क्षेत्र से। तो आपको अपने प्रयासों के द्वारा भी सफलता मिली है और दूसरों के सहयोग और प्रोत्साहन के द्वारा भी जीवन में सफलता मिली हुई है। जन्म स्थान से दूर जाने के योग भी आपके अच्छे हैं, लाभ मिलने के योग भी अच्छे हैं, और उसके बाद यहाँ पर 45 के एज के बाद से जो है यहाँ पर डबल सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट वापस से हुआ है जो कि पहले आपके जीवन में था। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और बात करें यहाँ पर आपके सूर्य के क्षेत्र की, तो सूर्य की रेखा भी आपके भाग्य रेखा से ही निकली हुई है, बीच में कमज़ोर है, फिर ये आगे जा करके इस प्रकार से मजबूत होते हुए जा रही है। और सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत यहाँ पर नॉर्मल है, आत्मविश्वास भी आपके अंदर ठीक रहेगा। एक से अत्यधिक सूर्य रेखा तो थोड़ा कन्फ्यूज़न को ये व्यक्त करता है, आपके पास काम बहुत ज़्यादा रह सकता है या फिर आपके पास समय कम रह सकता है। तो यही रीज़न है कि क्वालिटीज़ आपके अंदर अच्छी रहेगी लाइफ में उन्नति करने की, या एक समय पे आप एक से ज़्यादा काम करने के आदि भी रहेंगे। लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी ये है कि सूर्य रेखा थोड़ी कमज़ोर होते हुए दिख रही है, तो वो जो नेम फेम पॉपुलैरिटी या फिर वो जो वर्क का प्रॉपर रिजल्ट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए सूर्य को और ज़्यादा स्ट्रांग करना है, यानी अपने वर्क पे और ज़्यादा फोकस करना है, और हो सके तो एक समय पे एक ही काम करें। यहाँ पर एक दो बातें और हैं जिससे को जानना आपको ज़रूरी है। एक क्रॉस का साइन है यहाँ पे जो ये इंडिकेट करता है कि जो भी आप काम करते हैं उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, और अपने ही लोगों के साथ थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपका चलते रहता है। और यहाँ पर जैसे आड़ी रेखा और कटी हुई है तो ये थोड़ा डिफेम का भी काम करती है, और जो आपके उच्च अधिकारी रह सकते हैं या पिताजी, उनसे रिलेशन में अनबन मतभेद के योगों को भी थोड़ा ये व्यक्त करता है। अदरवाइज बीच की कुछ ये रेखाएं हैं जो अच्छे नॉलेज को, अच्छे एडवाइज़र को यहाँ पर इंडिकेट करती है, और मरकरी माउंट यहाँ पर डेवलप आपका अच्छा है, तो इस कारण से आपके अंदर बोलचाल की कला बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। आप अपने बातों से किसी को भी बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं। आपके अंदर वर्क मैनिपुलेशन भी बहुत अच्छा है, यानी वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, और व्यापार के क्षेत्र में उन्नति के योग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा यानी मधुरभाषी किस्म के नेचर को बताती है। आप लोग कहीं ना कहीं आपको सुनना बहुत पसंद करते होंगे, और आप जहाँ बैठ जाते होंगे माहौल बन जाता होगा। बुध आपका बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छी बोलचाल की कला को और आकर्षित व्यक्तित्व को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके हृदय रेखा के ऊपर। तो हृदय रेखा यहाँ पर इस प्रकार से निकलते हुए सीधे गुरु और शनि के बीच में जा रही है, तो ये इमोशनल नेचर को बताता है, लेकिन ये इमोशनल नेचर का मैनेजमेंट करना आपको बहुत अच्छे से आता भी है। यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से सीधे भी गई है, तो ये काम को तवज्जो देने के योगों को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप एक प्रकार से वर्क पर भी अच्छा अपना ध्यान दे पाएंगे। यहाँ पर कुछ रेखाएं इस प्रकार से नीचे की ओर और भी जा रही हैं, तो ये इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करते हैं, जिसके कारण अपनों से ही थोड़ा धोखा मिलना के योगों को ये यहाँ पर व्यक्त करता है। तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाना आपके लिए हमेशा नुकसानदेह साबित होने वाला रहेगा। अदरवाइज हृदय रेखा में ज़्यादा तकलीफ नहीं है, और कुछ रेखाएं साथ में भी चल रही है, तो हेल्थ रिलेटेड ट्रबल आपको तकरीबन यहाँ पर 55 के एज के बाद ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अंदरूनी मंगल भी विकसित ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा बहुत हेल्थ में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं आपके माइंड लेन के विषय में। तो माइंड लाइन का फ्लो इस प्रकार से इंडिपेंडेंट यहाँ पर चल रहा है, जब लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट माइंड लाइन चलती है तो बचपन से ही स्वतंत्रता अच्छी देखने को मिलती है, जिसके कारण ये थोड़ा सा ज़िद्दीपन को भी यहाँ पर व्यक्त करता है कि आप अपने ज़िद पर अड़िग रहने वाले इंसान यहाँ रहेंगे। और कुछ रेखा यहाँ पर ऊपर की ओर भी उठी हुई है, बायफोर्क भी हुई है, तो इसके कारण ये बुद्धि प्रतिभा का अच्छा सदुपयोग होने के योगों को व्यक्त करता है। आप एक प्रकार से लॉजिकल नेचर के भी रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी भी आपकी रहेगी, यानी बातों को ज़्यादा घुमा फिरा करके करना आपको पसंद नहीं रहेगा, दो टुक बात करना ये सबसे ज़्यादा आपको सही लगने वाला रहेगा, और नॉलेज जो है आप अच्छा अपने लाइफ में गेन कर पाएंगे। तो ये सारी एबिलिटीज़ है, पुराने से पुराने बातों को याद रखने में भी आप सक्षम रहेंगे। माइंड लाइन स्ट्रेट है तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम फिर नहीं देता है। लाइफ लाइन पर आते हैं, तो लाइफ लाइन का फ्लो इस प्रकार से निकलते हैं, बाहर की ओर आपका झुक रहा है, तो ये बर्थ प्लेस से दूर जाने के योगों को बताता है। बाकी मिडिल में आया है, तो आप अपने लाइफ में सेल्फ फोकस, करियर फोकस ज़्यादा रहने वाले हैं। उम्र भी यहाँ पर अच्छी है, क्योंकि शुक्र से इसकी कनेक्टिविटी हो गई है, तो 80 अप्रोक्स एज ईजिली यहाँ पर प्रिडिक्ट हो रहा है। और यहाँ से भाग्य रेखा ये जितनी भी निकल रही हैं, इन सारे एजेस में आपको लाइफ में ग्रोथ अच्छी मिली हुई होगी और मिलेगी भी। एक तो यहाँ पर जो ग्रोथ, जो प्रोग्रेस लाइन है, वो अप्रोक्सीमेटली 25
के एज में ज़्यादा देखने को मिल रहा, तो उस दरमियान में लाइफ में प्रोग्रेस अच्छा हुआ होगा। फिर यहाँ जो दूसरी लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ 45 के एज में है, 45 से 47 के बीच में, और जो सेकंड है वो तकरीबन यहाँ पर 55 से 60 के बीच में बहुत अच्छी निकल रही है कि यहाँ तक आते आते आपके जीवन में सारे इच्छा अरमान आपके पूरे हो जाने वाले रहेंगे। इसी जीवन रेखा के साथ में आपकी सहयोगी रेखा भी चल रही है, जिसके कारण दूसरों का सहयोग जीवन में आपको पर्याप्त मात्रा में अच्छा मिलने वाला रहेगा, उसमें कोई भी कमी नहीं है। और आगे चल करके लोगों का सहयोग के साथ साथ अपनापन भी बहुत अच्छा आपको लगने लगेगा। फिर यहाँ बात करें मंगल के क्षेत्र की, तो अंदरूनी मंगल विकसित कम है, बाहरी मंगल ठीक है, तो शारीरिक रूप से इतने ज़्यादा मजबूत नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप मजबूत रहने वाले रहेंगे। किसी से भी मिलेंगे बहुत जुनून और हौसले के साथ, और शुक्र पर्वत यहाँ डेवलप अच्छा है, तो ये यहाँ पर अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छी दिखावटी चीज़ों को, अच्छे रहन सहन खान पान टिप टॉप रहना, अच्छा घूमना फिरना, खूब खर्चीलापन, ये सारी चीज़ों पर भी देखने को मिलता है। और ये खर्चे आपके जेन्युइन रहते हैं अपने फैमिली के ऊपर, बाकी सारी चीज जो है चीज़ों पर। और यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी आपको देखने को मिलेगी, तो ये एक प्रकार से अच्छे सहयोग को, एक प्रकार से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करता है जो आपकी लाइफ में रहेगा। तो शुक्र अच्छा है, तो अच्छा इंजॉयबल लाइफ आपकी रहने वाली रहेगी। और केतु के क्षेत्र पर विभाजित जीवन रेखा यात्रा आपकी अच्छी करवाएगी, और यहाँ से ही शाखा निकलते हुए आपके मरकरी माउंट तक जा रही है, तो ये व्यापारी योगों को व्यक्त करता है, जिसके कारण व्यापार से लाभ मिलने के योग भी बनते हैं, और हेल्थ में यानी स्वास्थ्य में सुधार होने के योगों को भी ये यहाँ पर व्यक्त करता है। तो ये एक प्रकार से धन को भी बढ़ाता है, मैनेजरियल स्किल को और ज़्यादा डेवलप करता है, आप जो भी काम करेंगे बहुत व्यवस्थित इस कारण से करने वाले रहेंगे। चंद्र के क्षेत्र पर एक स्क्वायर टाइप का फॉर्मेशन भी बन रहा है, जो कि यह इंडिकेट करता है कि बर्थ प्लेस से दूर आपका खुद की प्रॉपर्टी बनने के योग भी रहेंगे, और चंद्र की भाग्य रेखा भी है, तो शादी के बाद जीवन में उन्नति अच्छी हुई होगी, मदर से अच्छा लगाव रहा होगा, और जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस अच्छा आपको मिलने के योग है, लोगों के द्वारा सहानुभूति प्रोत्साहन मिलने के योग भी बहुत अच्छे हैं, तो ये बहुत शुभ चिन्ह होता है जिसके कारण व्यापार में और ज़्यादा लाभ मिलने के योग बनते हैं। लेकिन चंद्र पर थोड़ी आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा मन को विचलित और बेचैनी को भी व्यक्त करता है, तो इसके लिए चंद्र के रेमेडीज करने चाहिए। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपका भाग्य रेखा ये माइंड लाइन, और यहाँ से जो फॉर्मेशन हो रहा है ये मनी ट्रायंगल का बन रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ओपन है, तो इस कारण से जीवन में धन तो बहुत अच्छा आपके आएगा, लेकिन रुक नहीं पा रहा है। आगे चल करके ये रेखा जितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, उसके बाद धन भी अच्छा आएगा और उसका सदुपयोग भी होगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।